नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी पे ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या की बात करूंगा। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है आत्महत्या। समाजशास्त्र के हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 124 साल पहले, लगभग 124 साल पहले 1897 में फ्रांसीसी विचारक समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने अपनी किताब ली सुसाइड लिखी थी। उस समय की परिस्थितियां आप सोच सकते हैं, संसाधन कितने कम थे, यातायात के संसाधन नहीं थे, संचार साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी 26,000 आंकड़े इकट्ठे किए थे यूरोप के देशों के, और उन सभी आंकड़ों का एकत्रीकरण करके, उन सभी आंकड़ों के आधार पे उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो आज भी प्रासंगिक है। वही सिद्धांत आज भी चल रहा है। आज आपके साथ में कुछ आंकड़े मिले हैं, पत्रिका समाचार पत्र जौलपुर ने प्रकाशित किए हैं, ACRB के आंकड़े। ये डेटा स्टोरी है 2015 से 2019 की अवधि की, और इसमें 2019 को उन्होंने हाईलाइट किया है आत्महत्या की प्रवृत्ति को जानने के लिए कि आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या है, और वो जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है उसके आधार पे जो है आत्महत्या, हम सभी जानते हैं, जानबूझकर आत्महनन करना। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं, या तो समाज का दबाव उसके ऊपर सकारात्मक होता है, कभी कभी समाज का नकारात्मक दबाव इतना ज्यादा हो जाता है, एक सामूहिक प्रयास उसके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन सामूहिक प्रयासों के दबाव में इतना ज्यादा आ जाता है व्यक्ति, फिर उसको आत्महत्या करना ही अच्छा लगता है। वो जानता है कि मैं जो कृत कर रहा हूं इससे मेरा आत्महनन होगा, मेरा जीवन नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है, आत्महत्या को आत्मसात करता है। ये दुर्खिम ने कहा था, इसके पहले तक आत्महत्या को कहा जाता था ये मानसिक रोग है, शारीरिक विकृति है। उस वक्त भूत प्रेत का बहुत चलन था, विज्ञान का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ था, विज्ञान ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो कहा जाता था ये भूत प्रेत या कुछ अदृश्य ताकतों का खेल है। लेकिन दुर्खिम पहले विचारक थे जिन्होंने अपने सैद्धांतिक आधार पर सैद्धांतिकरण दिया। लगभग 26,000 आत्महत्या के यूरोप के आंकड़ों का एकत्रीकरण कर सांख्यिकी प्रस्तुति करा। सांख्यिकी रूप से पहली बार सांख्यिकी को समाजशास्त्र में इंट्रोड्यूस भी हम कह सकते हैं, प्रवेशित करा है एमाइल दुर्खिम ने, और आत्महत्या को बताया कि समाज का कारण है, समाज के दबाव के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। पहले भी मैंने अपने चैनल में आत्महत्या पर चर्चा की है, आज जो आपके साथ ये डेटा स्टोरी शेयर कर रहा हूं। ये डेटा स्टोरी बताती है ACRB के आंकड़े कि 2015 से 2019 के बीच में भारत में 6,68,157 लोगों ने आत्महत्या करके अपना जीवन लीला समाप्त किए। अब आत्महत्या का असर जो है व्यक्ति पर तो पड़ता ही है, उसके परिवार, दोस्त, समुदाय और देश पर भी होता है। जितने आत्महत्या कर ली वो तो चला गया, लेकिन अब आप सोचिए उसके चले जाने से, उसके मौत को गले लगा लेने के बाद उसके परिवार पे क्या असर होता है, समाज पे क्या असर होता है, और देश कितना प्रभावित होता है। आप क्या सोच सकते हैं कि देश में हर साल लगभग 1,25,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। करोड़ों की आबादी में 1,25,000 की संख्या नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसी है, लेकिन आवाज तो है। कामकाज, अलगाव की भावना, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, ये कुछ ऐसे प्रमुख सामाजिक कारण हैं, सामाजिक पहलू हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित करते हैं, व्यक्ति आत्महत्या करता है। अब ये जो आंकड़े हैं ACRB के, इन आंकड़ों पे अपन गौर करते हैं। 2019 के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जहां है, बॉलीवुड है वहाँ पे, मुंबई इंडियन सबसे फेमस है, क्रिकेट के सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, उद्योगपति हैं, जो कि महाराष्ट्र सबसे संपन्न, सुविधा संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ संपन्नता के बावजूद वहाँ 13.6% सबसे अधिक है आत्महत्या की दर, 13.6%। इसके बाद तमिलनाडु भी एक संपन्न प्रांत है, 9.7% आता है यहां पे भी, तमिलनाडु में भी स्थिति यह है 9.7% की। अब आपके पास आते हैं पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल में थोड़ी हालत बिगड़े हैं, लेकिन 9.1% बंगाल है। और चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये चार बड़े बड़े स्टेट हैं। महाराष्ट्र भी बड़ा है, पश्चिम बंगाल भी बड़ा है, तमिलनाडु भी बड़ा है और मध्य प्रदेश भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ में विभाजन होने के बाद भी मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। और यहाँ देखिए 13.6, 9.7, 9.1 और 9% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। संपन्न प्रदेश है महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी संपन्न है, बंगाल और मध्य प्रदेश की स्थिति तो संपन्नता और विपन्नता दोनों में आप देखिए आत्महत्या बढ़ रही है। अब इसके बाद आते हैं, अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, कर्नाटक जो आईटी स्टेट है, बेंगलोर फेमस है, देश विदेश के लोग आ जाते हैं, तो भारत में दिल्ली नहीं जाना चाहते, मुंबई नहीं जाते, वो बेंगलोर जाना चाहते हैं। संपन्नता बहुत है कर्नाटक में, हमारे यूथ सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, उनको जॉब मिल रहा है। कर्नाटक में बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं कि आइए आपके लिए पोस्ट निकली है, यहाँ पे अप्लाई करिए। वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वो है पर बहुत कम है, लेकिन आत्महत्या की दर में 8.1% है। पांचवें नंबर पे कर्नाटक है। फिर आप आइए बाजू के हमारे मध्य प्रदेश का छोटा हिस्सा, जो कि एक नया राज्य बना था 1999 में, छत्तीसगढ़। प्राकृतिक संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश के विभाजन में सर्वाधिक संपन्नता छत्तीसगढ़ को मिली। केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया और स्टेट का भी बहुत कुछ था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह सब वहां चले गए। लेकिन ऐसा क्या है, आदिवासी जीवन है, आदिवासी मस्त मौला होते हैं, संपन्न होते हैं, उनको किसी की कल की चिंता नहीं करते, आज में ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन 6.1% आत्महत्या की दर के साथ कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ आता है। अब आप देखिए दो और स्टेट की तुलना करता हूँ। तेलंगाना नया प्रांत है, छोटा है, गुजरात एक पुराना औद्योगिक प्रांत है, यहाँ 5.5% है। आंध्र प्रदेश 4.6, ये भी आईटी नगरी है, हैदराबाद यहाँ पे 4.6 है। फिर आपके देखिए सॉरी जो संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी, दमनदीप ये सब आते हैं, यहाँ आंकड़ा 16.1% है, महाराष्ट्र से भी ऊपर है संघ शासित प्रदेशों में, जिसमें दिल्ली ही सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप, ये सारे संघ शासित प्रदेश हैं। क्या स्थिति है, 16.1%, कल्पना नहीं कर सकते। देश की राजधानी है दिल्ली, हमारी संघ शासित प्रदेश है, 16.1%। इसमें और भी हैं शामिल, पर मेजर फिगर दिल्ली। अब आप देखिए दो प्रांतों की बात करूंगा, देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश और एक आदिवासी प्रांत उड़ीसा, जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है। उड़ीसा हमेशा तूफान आते हैं और बर्बाद करके चले जाते हैं। गरीबी बहुत है, बेरोजगार है, बीमारू राज कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की दर क्या है, 3.9% और उड़ीसा में 3.3%। विपन्नता है, यहां पर ज्यादा आत्महत्या होनी चाहिए, लेकिन देखिए गरीबी, बेरोजगारी सब कुछ यहां पे है, रोजगार के साधन नहीं, यूपी के लोग सब महाराष्ट्र में जाते हैं। 3.9% आत्महत्या है और उड़ीसा में 3.3%, यानी संपन्नता और विपन्नता राज के आधार पे एक समाजशास्त्री पहल करी जाए तो ये एक आधार है, समाज का दबाव। आप सोच लीजिए जहां संपन्नता है, जहां विकास है, वहां पे ही सामाजिक प्रेशर ज्यादा है, अपने आप को स्थापित करने की मांग वहां ज्यादा है, तो वहां लोग आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। अब कामकाजी आधार देखें, सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड आदमी है सबसे कम आत्महत्या करते हैं, 0.9%, मतलब 1% से भी कम। सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घरेलू समस्याओं के कारण वो भी परेशान होते हैं, आत्महत्या बढ़ करते हैं, तो 0.9%। स्टूडेंट जिस पे देश का आधार टिका हुआ है, 7.4% निराश है स्टूडेंट, 7.4% स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ की गृहणियाँ जो घर में हैं, 15.4%, एक बड़ा आंकड़ा है, सेकंड नंबर है गृहणियों का आत्महत्या में। सबसे ज़्यादा करते हैं डेली वेजेस, दैनिक वेतन भोगी 23.4%। अब सोचिए आप, दैनिक वेतन भोगी जो है कितना निराश है अपने जीवन से, उसको दैनिक
आवश्यकताएं उसकी पूरी करने में ही जिंदगी निकल जाती है, उसको मालूम नहीं कल क्या होगा। वो इतना ज्यादा निराशा में आ गया, इतना ज्यादा कोरोना के कारण तो और बुरी हालत हो गई, 23.4%, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी स्थिति कभी भी बदलेगी नहीं। एक लंबी आशा में कि कब मैं नियमित हूंगा, कब मुझको स्थायित्व मिलेगा, स्टेबिलिटी कब मिलेगी, नियमित कब होगी, या मैं ऐसे ही रोज सवेरे जाऊंगा, रोजगार ढूंढूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, रोज कुआं खोदूंगा, रोज पानी पीऊंगा। इतनी ज्यादा निराश बढ़ गया कि 23.4% दैनिक वेतन भोगी सर्वाधिक आत्महत्या करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे घर में काम करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाएं जो हैं, घर में काम करती हैं, गृहिणी जो कुछ नहीं करती, घर का काम करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, 15.4%, वो भी घर का मैनेजमेंट करने में, घर के बजट को संभालने में रहती हैं, 15.4%। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो आपका तीसरा नंबर है आपका जो है, उसमें आते हैं अदर्स व्यक्ति हैं जो जिनको काम नहीं कर रहे, वेतन भोगी भी 9.1% हैं, वेतन भोगी जो हैं 9.1% हैं, बेरोजगार 14.7%, बेरोजगार के पास कोई मापदंड नहीं है, बेरोजगार हैं, परेशान है वो 14.7% बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, वेतन भोगी 9.1% करते हैं। और हाँ, एक अच्छा आंकड़ा है कृषक, किसान और किसान से रंग लगे हुए लोग 7.4%, और स्वनियोजित जो हैं 11.6% आत्महत्या करते हैं। काम काज के आधार पर मैंने आपसे कहा ना, जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं, उन पे समाज का दबाव बहुत जाता है, घर का भी दबाव, अब उनको नहीं मिल रहा रोजगार, प्रयास तो करते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, तो सामाजिक दबाव उन पे इतना हो जाता है, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, मैं कुछ काम का नहीं हूं। ऐसे बेरोजगारों में दर सबसे ज्यादा है 14.7%, दैनिक वेतन भोगी और उनसे ऊपर हैं, उनके पास रोजगार है लेकिन उनको रोज तलाशना पड़ता है, उनको ये चिंता रहती है कि मैं स्थायी कब होगा, स्टेबिलिटी कब होगी, मुझे कल मिलेगा कि नहीं, कल का सूरज मैं देख पाऊंगा कि नहीं, इसलिए वो अस्थिर हैं 23.4%। इसके बाद गृहिणी आती हैं, हाईएस्ट दैनिक वेतन भोगी 23.4, उसके बाद आपके गृहिणी 15.4, और फिर बेरोजगार 14.7%, और स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड है 11.6। ये चार कैटेगरी काम के देखिए, हाईएस्ट से 10 से अधिक आत्महत्या। गृहणियां क्यों अधिक आत्महत्या कर रही हैं, उसके पीछे का एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देखें, वो फुल टाइम घर में रहती हैं, 24 घंटे में घर में रहती हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं, वो पेड वर्कर नहीं है, अनपेड वर्कर के रूप में गृहणियां घर में 24 घंटे करती, घर का कैसे संचालन करना है, घर में कैसे करना है, बच्चों की देखभाल भी करना, पति की देखभाल भी करना, सास ससुर है उनकी भी देखभाल करना, घर के साथ सामंजस्य करना, अपनी सारी भावनाएं इच्छाओं को मार के अपने परिवार को संभालना, परिवार को सहेजना, इसी में धीरे 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 उनके ऊपर इतना दबाव आने लगता है, पारिवारिक बोझ का, परिवार का इतना दबाव आ जाता है, कभी कभी उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं अपने परिवार को नहीं कर पाई, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा करें, अपना सब कुछ देने के बाद भी, लेकिन जब वो सफल नहीं होती हैं तो उनमें एक निराश आ जाता है, निराशा आ जाती है। इसलिए आप देखिए 15.4% गृहणियां हमारे आत्महत्या कर रही हैं। इसके बाद बेरोजगारों के साथ भी वही है कि उनके पास रोजगार नहीं है, परेशान है, समाज का दबाव ज्यादा है, इसलिए 14.7। और स्वनियोजित, कुछ लोग अपने परिवार में सक्षम होते हैं और वो अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं, अपना रोजगार शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस ना मिलने के कारण, उसमें उतनी ज्यादा परेशानियां होने के कारण, उसको अपने स्थापित नहीं कर पाने के कारण 11.6% स्वनियोजित रोजगार वाले आत्महत्या की ओर अग्रसर। चार कैटेगरी देखिए काम की, छात्र 7.4 है, बेरोजगार की बात ही हो गई, कृषक, हाँ एक सकारात्मक पहलू आया कि हमारे यहाँ कृषक जो आत्महत्या कर रहे थे, दर में गिरावट आई है, 7.4% आ गई है। और एक चिंतनीय पहलू है कि वेतन भोगी भी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए अभी कोरोना को हम पूरी तरह से नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कोरोना भी एक कारण है कि वेतन भोगी भी आज सुरक्षित नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, उन पर भी समाज का दबाव है, 9.1% वेतन भोगी आत्महत्या। अब शैक्षणिक परिदृश्य पे आते हैं, हमारे यहाँ ढेरों डिग्रियां हैं, सबसे कम आत्महत्या करने वाले जो हैं 0.2% एमबीए वाले 0.2% हैं, स्नातक या ग्रेजुएट हैं जो या उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 3.7%, डिप्लोमा होल्डर 1.2%, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वाले 14%, मैट्रिक
10+2 वाले 23.4% मैट्रिक हैं जो 23.4% हैं 10+2 वाले, क्यों इनको रोजगार नहीं मिलता, इनको सब जगह यही होता है समाज का तुमने क्या करा। हाई स्कूल कोई शिक्षा होती है, मैट्रिक कोई शिक्षा है, कोई एजुकेशन है, ये दबाव रहता है। 23.4% मैट्रिक पास हैं। इसके बाद आपका जो आता है प्राथमिक प्राइमरी लेवल वाले हैं 16.3%, उच्चतर प्राथमिक स्तर वाले हैं 19.6%, जो मिडिल क्लास मिडिल स्कूल वाले आते हैं प्राइमरी 6वीं 7वीं 8वीं, 12.6% अशिक्षित है, जो बिल्कुल भी पढ़े लेकिन नहीं अशिक्षित 12.6% है और 8.9% की स्थिति ज्ञात नहीं। ये एक आंकड़ा है, इसमें डिप्लोमा तो आ गया 1.2%, अभी इसमें टेक्निकल स्टेज नहीं आया। तो आप सोचिए जितनी ऊंची डिग्री है उसमें कम है, अशिक्षित जो है उनमें ज़्यादा है, 12.6% अशिक्षित हैं। प्राथमिक स्तर पे जो पढ़ाई करके छोड़ देते हैं उनकी स्थिति देख लीजिए आप, 16.3% प्राथमिक से ऊपर जो आ गए उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं 7वीं मिडिल स्कूल वाले वो 19.6% है। जैसे और 12th तक के स्तर को अगर आप देखें यहीं पे आत्महत्या की तरफ जाता है, 12th के बाद जब उच्च शिक्षा में आते हैं तो दर कम हो जाती है। जैसे डिप्लोमा वो भी 12th के बाद करना है 1.2% है, स्नातक 3.7% है, MBA 0.2% है। तो आप देखेंगे स्कूली शिक्षा जो है 12th तक का प्राइमरी अशिक्षित से लेके 12th स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा हो सकता है कि अभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है इसमें जो बदलाव करेंगे या इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर सरकार ने ये सोचा होगा स्कूल जो है बच्चे विद्यार्थी की नींव है वो स्कूल की नींव मौजूद नहीं हो रही, इसलिए बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे, सक्सेस स्टोरियाँ नहीं बन रही हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, पर हम आपके साथ आज ये आंकड़े जो 2019 के आए हैं ये डेटा स्टोरी जो है ये बता रही है कि दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है, अशिक्षितों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है और संघ शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो पूर्ण राज्य का दर्जा है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर है। ये एक सैद्धांतिक विश्लेषण था। आज भी आप देखेंगे 124 साल बाद एमाइल दुर्खीम का जो ली सुसाइड नामक किताब में उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था आज भी यथावत प्रासंगिक है, अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमको इन सबसे समाजशास्त्रियों की जिम्मेदारी होती है कि आत्महत्या के जो सिद्धांत थे दुर्खीम के उसके आधार पर सरकार के पास अपनी कोई कार्य योजना बना के प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप इसमें प्रोजेक्ट करा सकते हैं बच्चों को, आपको फील्ड वर्क कराना है प्रोजेक्ट कराना है इसमें हम करा सकते हैं कि आत्महत्या क्यों करता है व्यक्ति, आत्महत्या से व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, व्यक्ति को स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमें बच्चों को सिखाना होगा हम शिक्षकों को और हो सकता है उसके बाद दिन बदले। नहीं तो ये भयानक आंकड़े हैं कि जो संपन्न प्रांत हैं वहाँ आत्महत्या अधिक हो रही है, बेरोजगार जो हैं या अशिक्षित जो हैं वो ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी भी एक तरीके से बेरोजगार में ही आते हैं, आज मिला कल नहीं मिला, इसलिए देखिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 38% हैं बेरोजगार और दैनिक दोनों को मिला देते हैं तो 38% का आंकड़ा होता है, एक बहुत भयानक स्थिति है। तो ये आत्महत्या का सिद्धांत था, ये आपके साथ आज मैंने प्रस्तुत किया। मेरे चैनल को इसी तरह आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, फॉरवर्ड करिएगा और इसमें जो भी आप चाहते हैं अपने सुझाव देंगे, आपके सुझावों का मैं पालन करूंगा, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए मित्रों इतना ही।